हेलो सर। या निकित। सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर, मेरी दादी मर गई सर। That's really sad. तुम ऐसा करो, आज की छुट्टी ले लो और प्रोजेक्ट की टेंशन मत लेना, वो सब मैं देख लूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर दादी नहीं रही सर। या संध्या। यार काश मेरी भी कोई दादी होती, वो मरती और मुझे। मेरी दादी तो पैदा होते ही मर गई थी यार। क्या बोल रहा है यार। अरे मेरे पैदा होते ही, अगर वो अब मरती तो मुझे भी छुट्टी मिल जाती। No way guys, this is so wrong. किसी की मौत का बहाना लेके छुट्टी करना is not good. Anyways, किसी ने कॉल किया निकेत को? जिया, किसी के घर में डेथ होती है तो कॉल करके नहीं जाते। हाँ तो वो तो जा ही रहे ना। चलें गाइस। साहिल यही घर है ना पक्का? लग तो यही रहा है, लास्ट टाइम यही ड्रॉप किया था उसे। लेकिन दरी तो बिछी नहीं है। अबे गरीब, अबे इतना बड़ा घर है, लोगों के बैठने का अरेंजमेंट अंदर होगा ना। वो सब तो ठीक है गाइस, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? लगता है सबके सब शमशान गए होंगे। क्या है, चंदा वंदा नहीं देते हम? जाओ। हम आपको चंदा मांगने वाले लग रहे हैं। हम अनिकेत के ऑफिस से हैं। अनिकेत यहीं रहते हैं ना? हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं उसकी भाभी हूँ, पहले बता देते आप लोग। आइए आइए, अंदर आ जाइए। सर भाभी ने पट्टी लगा के जान दे दी सर। अरे अनिकेत रो मत। सर रो ना तो क्या करूं सर, भाभी के तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाने दो। बिल्कुल अनिकेत, तुम फटाफट घर पे जाओ और देखो घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। भाभी सर, लेकिन पिछले महीने अनिकेत ने तो ये बोल के छुट्टी ली थी कि उसकी भाभी ने पट्टी लगा ली। अरे अनिकेत झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, और हो सकता है उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली हो यार। इतनी जल्दी हमें बुलाया भी नहीं यार। अबे दूसरी शादी में कौन बुलाता है। हाँ। लेकिन सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने? गाइस जिनके घर में डेथ होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वाइट ड्रेस वेयर करें। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, कि यहाँ पे कोई रो क्यों नहीं रहा है? जी तुम भी पागल हो, जिनके घर डेथ होती है क्या सारा दिन वो रोते रहते हैं? चलो यहाँ से। भाई देखना अंकल जी कितने दुखी हैं। लेकिन ये शमशान नहीं गए। गाइस दादी के चिता को अब पोता देता है। जी हम लोग अनिकेत के ऑफिस से हैं, जैसे ही पता लगा हम लोग आ गए। यहाँ आने से अच्छा था आप भी उसी के साथ चले जाते। अंकल जी हमें जरा देर से पता लगा, जैसे ही पता लगा यहाँ आ गए। लेकिन आप नहीं गए? मैं जाके क्या करता, तबीयत भी खराब थी। वो तो अनिकेत ने सुबह छुट्टी करी, उसने बताया कि ये कांड हो गया है। बेटा अनिकेत आज ऑफिस नहीं गए तुम? हाँ पापा, वो हुआ यूं ना कि बॉस की ना बीवी भाग गई, तो बॉस ने ना पूरे ऑफिस की छुट्टी कर दी। जिंदगी का क्या भरोसा, उसके बॉस की बीवी किसी के साथ भाग गई। बॉस बीवी भाग गई? अरे अंकल जी क्या बोले जा रहे हैं आप। हाँ हाँ, और आज गन्ने उसका बॉस की लगा के मर गया। अनिकेत वहीं तो गया है, तुम भी जाओ। अंकल यही तो बॉस है। और मैं जिंदा हूँ, और मरी तो आपकी माँ है। मेरी माँ? एक मारूंगा तो तू मर जाएगा। मेरी माँ जिंदा है, ये रही। नमस्ते। लेकिन अंकल आप इतनी देर से रो क्यों रहे थे? अरे वो तो मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। मगर तुम एक बात बताओ, माना तुम तो लटक के नहीं मरे, लेकिन तुम्हारी बीवी तो भाग गई थी ना, वो लौटी या नहीं? मेरी बीवी कैसे मिलेगी, वो भागी नहीं। और लटक के तो आपकी बहू मरी है। मेरी बहू? वो ऐसे वैसे नहीं मरेगी लटक के, 100-200 का खून पी के मरेगी वो।
क्या हो गया पापा जी, कौन मर गया? मैं बताता हूँ। हेलो सर। अनिकेत कहाँ पर हो तुम? सर शमशान में हूँ, बस चिता ठंडी होने वाली है माँ, दादी माँ की। सर वो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठंडी कर ही दोगे। हाँ सर, बस थोड़ी सी आग और बाकी है, फिर दादी की आत्मा को शांति मिल जाएगी सर। अरे नालायक आप तो सच बोल दे सर, हम नाई तेरे को। दादी उतने लाड से तुझे पाला मैंने और तूने मुझे ही मार डाला। दादी करम चले, मैं कब फांसी लगा के मरी? भाभी जी, और मुझे पता है तू किसके साथ होगा, तो उस लड़की के बारे में बता रहा था ना, उल्टा क्या नाम उसका? अरे नहीं भाभी जी, क्या नाम उसका? संध्या। पापा जी कैसी औलाद पैदा किया आपने। हेलो सर। अनिकेत सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर। या संध्या मैं ना अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मेरी दादी मर गई सर। वो उसका कुत्ता मर गया। अनिकेत जी सर फोन स्पीकर पे लगा के मेरी बीवी को दो। जी सर। संध्या अगर तुम चाहती हो कि वो कुत्ता असल में ना मारा जाए सीधे घर आ जाओ। और अंकल जी आपका सुपुत्र जॉब से फायर।